हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने मास्टर प्लेट को समझा कि मास्टर प्लेट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम डिफरेंट सेक्शंस कैसे बनाते हैं और देन उन सेक्शंस को मास्टर प्लेट के अंदर रेंडर कैसे करते हैं। और अब हम आज की वीडियो के अंदर एक ब्यूटीफुल मास्टर टेम्पलेट लेंगे जिसमें एक टॉप बार होगा, एक साइड बार होगा और एक फुटर होगा और देन उसको हम रेंडर करेंगे, उसमें हम मेन टेम्पलेट रेंडर करेंगे। तो ये गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है और मैं बूटस्ट्रैप 5 की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने यहाँ से साइड बार उठाया है ये वाला, उसके बाद फुटर उठाया है यहाँ पे और टॉप बार उठाई है यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे डाउनलोड एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होके फुल सारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने कैरोसॉल यूज़ करना है आप कैरोसॉल यूज़ कर सकते हैं, फुटर यूज़ करना है फुटर यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप इस बूटस्ट्रैप का CDN भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक डिज़ाइन किया, ये टॉप बार है टॉप पर, ये साइड बार है, यहाँ पर कॉन्टेंट आएगा और ये हमारा फुटर है। और परेशान नहीं होना, ये मैं आपको फाइल से भी बिल्कुल समझा देता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये हमारी मास्टर फाइल थी और मास्टर फाइल के अंदर हमारे पास ये मैंने टॉप पे बूटस्ट्रैप 5 का CDN ऐड किया है। होप आप CDN से फेमिलियर होंगे। बेसिकली ये क्या है कि हमारे पास जिस तरह से ऑफलाइन बूटस्ट्रैप की फ़ाइल होती है, इस तरह से हमारे पास ऑनलाइन हमें बूटस्ट्रैप की फ़ाइल प्रोवाइड करता है, हमें एक ऐसे सर्वर से कनेक्ट कर देता है जहाँ बूटस्ट्रैप मौजूद होती है और उसे हमें कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बॉडी के बाद टॉप बार ऐड की, ठीक है, जो यहाँ पे हमें ऊपर नज़र आ रही है नेव बार, ये मैंने यहाँ पे ऐड की, ये इसका कोड है नेव बार का। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे साइड बार ऐड की और ये साइड बार का कोड है जो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और ये कितने तक है, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक ख़त्म हो रही है। और साइड बार के अंदर दरमियान मैंने यहाँ पर मेन लेआउट, यहाँ पे मेन लेआउट सारा आएगा इस जगह पे, जिस तरह से सिंपल बेसिक और एडवांस डैशबोर्ड्स के अंदर होता है, एक साइड बार होती है, एक टॉप बार होता है और यहाँ पे सारा कंटेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे ये फुटर आ रहा है, ठीक है, जो आपको बॉटम में नज़र आ रहा है, होम फीचर्स और ये वाला। और एक और चीज़ की आपको पता होना चाहिए कि ब्लेड के अंदर आप कमेंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से आपने जिस तरह से फुटर लिखा और यहाँ पे आपने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश इंटर करनी है तो ये आपके पास कमेंट बना देगा। और कमेंट में क्या होता है, जिस तरह से आप दूसरे HTML का कमेंट लिखते हैं उसमें आप ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है, ऐसे, उप्स, यहाँ पे कमेंट और यहाँ पे ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, ये HTML कमेंट है। लेकिन लारावेल का कमेंट कौन सा है, आपने यहाँ पर मुस्टैची साइन और यहाँ पे भी इसको रिमूव कर देना है और मुस्टैची साइन। तो लेट मी क्लोज दीज वंस, ओके। तो यहाँ पे भी इनको भी आपने रिमूव कर देना है। नहीं 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 नहीं, ये एक मिनट, मैं खुद भूल रहा हूँ, ओके। तो आपने इस साइन को, लेट मी टेस्ट दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस मिस्टेक, ओके। सो आपने जिस तरह से हम कर रहे थे वैसे ही है सेम, लेकिन जो चीज़ हम गलत कर रहे थे वो ये चीज़ कि यहाँ पे हम स्पेस दी हुई थी हमने, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी, तो ये आपके पास एक कमेंट बन जाएगा, ठीक हो गया। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने ये वाला जो मेन लेआउट विल बी हेयर, ये हमने इसकी एक सेपरेट फाइल यूज़ करनी है और मास्टर ब्लेड के अंदर इसको जितना भी ये कॉन्टेंट होगा इसका हमने रेंडर कराना है, ठीक है। ये हमारा मास्टर ब्लेड है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर जाता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, user.blade.php, ठीक है, ये मैंने क्रिएट की। और यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ एक्सटेंड्स, मैं यहाँ पे मास्टर ब्लेड को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। आपको पता है कि हम मास्टर ब्लेड को कैसे एक्सटेंड करते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे सेक्शन लगाता हूँ और सेक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ कॉन्टेंट, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको एंड सेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, एंड सेक्शन। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो फ्राम यूज़र फाइल, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे यूज़र का समझो क्रट बना रहा हूँ और ये मैं इसका साइड बार और टॉप बार यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। और मास्टर ब्लेड के अंदर मैं आता हूँ और इस जगह मेन लेआउट विल बी देयर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यील्ड ब्लेड डायरेक्टिव लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, कॉन्टेंट, ठीक है। तो हमारा कॉन्टेंट यहाँ पर आके रेंडर हो जाएगा, कहाँ वाला, यहाँ वाला, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ और यहाँ पर वेब के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोनों उसके अंदर
यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र, क्योंकि हम यूज़र का व्यू बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ लिखता हूँ यूज़र और हिट इंटर, ठीक है। अब हमारे पास हुआ क्या है, हमारे पास ये ब्लेड ओपन हो गया है और हेलो फ्रॉम यूज़र फाइल, अभी हमारे पास यूज़र फाइल ओपन है और यूज़र फाइल में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र फाइल में हमने मास्टर फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है और मास्टर फाइल के स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर हम इस चीज़ को रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इंक्लूड हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने उसके दरमियान में जाके रेंडर करना है। तो लारवेल हमें यील्ड डायरेक्टिव प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब समझ लें कि हमने इसको इसका हम इनहेरिटेंस हम क्यों कह रहे हैं कि हमें इसका बेनिफिट्स क्या है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट का ब्लेड बनाता हूँ और उसके अंदर भी मुझे क्रट बनाना है और मुझे साइड बार भी यूज़ करना है, टॉप बार भी यूज़ करना है और फूटर भी यूज़ करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ व्यूज़ के अंदर और यहाँ पे बना देता हूँ पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी फाइल, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटेंड्स, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटेंड के अंदर लेआउट्स डॉट मास्टर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेक्शन, सेम सेक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा क्विकली इसको रन करता हूँ, हेलो फ्रॉम पोस्ट ब्लेड, ठीक हो गया। अब मैं इधर जाता हूँ और यहाँ पे इसे क्लोन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट। मैं थोड़ा सा क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे राउट के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट। अब क्या होगा, हमारे पास हेलो फ्रॉम पोस्ट ब्लेड, साइड बार वही यूज़ हो रहा है, एक ही साइड बार यूज़ हो रहा है, एक ही टॉप बार यूज़ हो रही है और एक ही फूटर यूज़ हो रहा है। बार बार चीज़ें हम दोबारा से नहीं बना रहे हैं, हम पहले से बनी हुई चीज़ों को रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़र वाला लिखूँ तो मेरे पास यूज़र वाला ब्लेड ओपन हो जाएगा विद यूज़र मेन ले विद यूज़र मेन कॉन्टेंट, ठीक है। अब सवाल आता है कि हम इसमें डिफरेंट चीज़ें लाइक हम यहाँ पे आते हैं मास्टर नॉट मास्टर, हम यहाँ पे पोस्ट में आते हैं और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस ब्लेड को हमने स्टाइल देना है, इसके मेन कंटेंट को हम कैसे देंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे सेक्शन की फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। हम आप डिफरेंट सेक्शंस भी मल्टीपल सेक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप दे दें स्टाइल्स, उसको एंड सेक्शन कर दें, ठीक है, एंड सेक्शन। और यहाँ पे जितनी भी एच आर एफ की आपकी फाइल्स हैं यहाँ पे आप दे दें और इस स्टाइल को आप मास्टर ब्लेड के अंदर आप जाके रेंडर करा दें, ठीक है। मास्टर ब्लेड के स्टाइल में जाता हूँ और यहाँ पे हेड है, नॉट हेड, इट्स अ हेड सेक्शन, ओके, हेड सेक्शन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टाइल्स, मेरी स्टाइल्स फाइल्स यहाँ पे सारी रेंडर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक मिनट, मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने आपको इसी फाइल को न्यू फाइल के अंदर ओपन किया और ये देखें हमारे पास नहीं, अभी हमारे पास ये नहीं आया, क्यों नहीं आया देखते हैं। पोस्ट ब्लेड, ये हमने पोस्ट ब्लेड के अंदर ओपन किया है और अभी हमारे पास यूज़र ब्लेड ओपन है। तो यहाँ पे मैं इसको पोस्ट को ओपन कर देता हूँ, पोस्ट, ओके, ये पोस्ट ओपन हो गया, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो अब देखें ये वाली चीज़ मैंने कहाँ से रेंडर कराई है, ये मैंने टेस्ट इस पोस्ट ब्लेड से रेंडर कराई है स्टाइल शीट, और ये कहाँ पर रेंडर हो रही है, ये एक ही फाइल बन रही है और ये मास्टर के अंदर यहाँ पे रेंडर हो रही है। तो मीन्स दैट जहाँ पे आप इस यील्ड को कॉल कराएंगे ये वहीं पे आपकी चीज़ रेंडर हो जाएगी। अब सवाल आता है कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे कॉल कराएंगे, तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी सेम ही है, तो उसके लिए भी सेम ही सेक्शन का आपके पास वो है, लेट मी रिमूव दिस वन, ओके। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर भी बताया है कि अगर आप इंग्लिश के अंदर कम्फर्टेबल हैं तो आप मेरी इंग्लिश की सीरीज़ भी चेक कर सकते हैं, तो उसके अंदर मैंने सारा लारावेल स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश के अंदर कवर कराई है और मेरी 20 प्लस प्लेलिस्ट लारावेल के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी स्क्रिप्ट्स के लिंक होंगे आप यहाँ पे दे सकते हैं, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स भी आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। और इनको रेंडर आपने कहाँ पर कराना है, मास्टर ब्लेड की सबसे एंड वाली जगह पर, ठीक है, जहाँ पर हम बॉडी से पहले जिस तरह से जावास्क्रिप्ट को कॉल कराते हैं, यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट लिख देना है, तो ये आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट होंगी वो यहाँ पे लोड हो जाएंगी। तो यहाँ पे रिफ्रेश करें, यहाँ पे आएँ, तो ये देखें ये हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे लोड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक मास्टर फाइल बना लिया है, उसी को हम बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। एंड सॉरी फॉर दैट कि हमारी जो वीडियो है ये काफ़ी लेंथी हो गई है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम अपना नेक्स्ट स्टेप कवर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।